हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 10:14। समय जरूर ज्यादा हो गया है पर बाहर मौसम ऐसा लग रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और पूरा ठंडक के मारे ना इतना खतरनाक मौसम हुआ कि मैंने पंखा भी बंद कर दिया। भाई अंदर भी ठंडी, बाहर भी ठंडी, और मिल गई है गर्मा गर्म चाय। मम्मी जी भी चाय पी रही है, मेरे को भी दे दी है भाई एक गिलास चाय, भाई साहब को भी दे दी है। तो सुबह सुबह हमारी ठंडी में चाय पार्टी हो रही है और इसी की तो जरूरत रहती है ना सुबह सुबह। तो बस अपने चाय फिनिश करते हैं और एक बहुत जरूरी काम है उसको फुर्सत करते हैं। आज सुबह चाय पीने के बाद से भाई जो घर में काम लगा है धोबी घाट मच गया। आज पूरा घर इतने सारे कपड़े धुले कि अंदर बाहर छत पे सब जगह कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। और भाई कपड़े धोते धोते हाथ और कमर बैंड हो गई है। लगता है ना कि एक बार मुफ्त काम कर लो पूरा लग के भाई एक बार में काम किए। भैया भी आज ऑफिस नहीं गए, मेरे को भी कोई ऐसा ज़्यादा काम नहीं था, सब मिल बांट के काम कर लिए हैं। अभी ये देखो इतने सारे कपड़े, ये देखो है ना, ये अभी जगह नहीं है छत पे, ये देखो ये है ना, ये नीचे सूख रहे हैं, बाकी छत पे सूख रहे हैं, अंदर पंखों में डाल दिए। इतने सारे कपड़े धोए भाई, मज़ा आ गया। सब काम एक बार में फुर्सत होके, अब नहा धो के भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। लंच टाइम हो गया है, दोपहर के खाने का टाइम, पर भाई हमारा टाइम हो गया है शाम के। अभी बज रहा है 4:45, 4:45 भाई हम लंच कर रहे हैं। बना है दाल चावल, एक में मिक्स कर लिया हरा मिर्चा, भिंडी की सब्जी और शिमला मिर्ची। शानदार लंच है, मम्मी जी ने गर्म करके दे दिया है। भाई मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खाना गर्म कर लूं मैं, हालत पंचर हो गए भाई। 4:45 सोचे दिन का खाना खा रहे, इसके बाद कितने सारे काम बचे वो भी करने हैं, तो फटाफट चलते हैं और लंच फिनिश करते हैं। शाम को लंच करने के बाद मैं आके अपने बिस्तर पर बैठा, इतनी तेज नींद आने लगी क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं सीधे पट से सो गया और अभी उठा हूँ तो बढ़िया अंधेरा छा चुका है और पानी गिर रहा झमाझम। और मैं जैसे ही मुंह हाथ धो के अंदर आया हूँ और पानी चालू हो गया भाई बहुत तेज है ना। अभी ये देखो, अभी इस तरफ तो समझ में, हाँ वो देखो पाइप से चू रहा है, वो समझ में आ गया होगा कितना तेज है। बहुत तेज पानी आया, मैं अंदर आया, टी शर्ट फिर भी हल्की हल्की भीज गई है तो ड्रायर मार के मैंने सुखा लिया। सोने के बाद भाई बहुत अच्छा लगने लगा है और मौसम मस्त ठंडा ठंडा और गरम गरम, कभी ठंडा लग रहा कभी गरम लग रहा है, यही सर्द गरम हो जाता है ठंडे गरम के चक्कर में। शानदार शाम हो चुकी है, अच्छी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है गरम है और शाम सबसे मेन है। तो भाई शाम होते ही सबसे पहली क्या चीज चाहिए, गर्मा गर्म चाय। और चाय बनानी भाई जिंदारी है हमारी शाम की, क्योंकि मम्मी जी भी दूसरा काम करके भाई थकान हो जाती है उनको भी, तो चाय बनाते हैं हम शानदार। मैंने चाय चढ़ा दी है, ये देखो है ना, अब भी दूध डाला है तो खोलने में थोड़ा सा समय ले रहा, बुलबुले अपनी ताकत पे जोर पे ना ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी क्या है ऊपर परत ठंडी है, नीचे से छटका मार रहे हैं परत ठंडी है। धीरे धीरे होते होते चाय खोलती है, एकदम से चाय नहीं खोलती, जब खोलती है तो अपने रंग को लाती है, अपने गुणवत्ता को बाहर लाती है, अपने स्वाद को निखारती है और अपने दमदारी को बताती है, देखो भाई मैं कितनी तेज उबल रही हूँ, इतनी ही कड़क बन रही हूँ, ये है चाय की भाई दमदारी। तो अभी 15 मिनट इसको खोलाएंगे, उसके बाद बनेगी शानदार गर्मा गर्म चाय। शाम का नाश्ता भाई बना रहे हैं क्योंकि लगी है हल्की हल्की भूख, अब क्या बनाए। तो भाई नूडल्स के पैकेट हम लाए थे कल एक एक मीटर वाले, ठीक है, तो भाई साहब बना रहे हैं बढ़िया नूडल्स और ये देखो कच्चा नूडल है, इसका ऐसे खा सकती हो, बढ़िया नमकीन लगता है शानदार। भाई साहब तड़का का डाल के बनाएंगे बहुत बढ़िया नूडल्स, एक एक प्लेट खाएंगे। और मम्मी जी ने चढ़ा दी है उसमें दाल, आज मम्मी ने बहुत जल्दी दाल चढ़ा दी, बोले क्या है ऐसे काम चलता है खाना बन जाएगी और एक दो घंटे बाद चावल चढ़ा देंगे आराम से, तो खाना बन जाएगा, उसके बीच में अपना नाश्ता भोग लगेगा बहुत बढ़िया। तो भाई हम नूडल्स का अच्छा कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, तरह तरह से भी खा सकते हैं, पर कच्चा इससे ज्यादा ना खाएं, ये टेस्ट के लिए है, बाकी पका हुआ ही खाएं। तो भाई साहब बढ़िया बनाने वाले तड़के वाला नूडल्स, भाई साहब ने लगा दिया तड़का जीरे का, अब इस पर डालेंगे देखो पानी, वो टुल्लू लेके खड़े हैं, खा भैया फ्राई किया, अच्छा और फ्राई हो जाए तब डालोगे। तो भाई हमारे यहाँ ऐसे ही नूडल्स बनता है तड़के वाला, ये अपना निकल गया है नूडल्स,
ठीक है, ये है मसाला और डालने वाला है पानी, ये शानदार पानी, बहुत बढ़िया। अब चार चुल्लू जलेगा, चार छाता पकाना है, तो क्यों चार चुल्लू? एक छाते में 250 ग्राम पानी, तो ये ज्यादा का है। अच्छा हाँ, 300 ml का है। हाँ तो अपने हिसाब से अंदाज से डाल लेते, मेरे को बनाना तो मैं भी अंदाज से डाल लेता हूँ। जीरे वाला नूडल्स बन गया, गर्मा गर्म शानदार नाश्ता। ये देखो नूडल्स, भाई साहब से बोले थे नाश्ता बनाने को, भाई साहब ने तो डिनर जैसा बना दिया। मम्मी जी भी खा रही हैं भाई, पापा जी सामने टेबल बैठ के खा रहे हैं। हम लोग भाई नूडल्स शाम को बहुत अच्छा लगता है ना, हम लोग तो नूडल्स के दीवाने हो गए, प्रेमी हो गए। और ये वाला नूडल्स तो बहुत शानदार, ये देखो क्या शानदार दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो सब फटाफट गर्मा गर्म नूडल्स का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं और नूडल्स को भोग लगाते हैं। पेट में डालते तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो दूसरा काम हो पाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है नाश्ता करने से। भाई ये तो नाश्ता, खाना का भी बाद में देखते हैं, खाना का बाद में देखते हैं। मम्मी से बोले मम्मी आधा घंटा और लेट कर देना खाना। डिनर टाइम, डिनर टाइम हो गया है, रात्रि भोजन का समय। गर्मा गर्म थाली मेरी बिल्कुल तैयार है, मैंने दाल चावल एक में मिक्स करा लिया है और थोड़ा कम चावल लिया है, ठीक है, और लौकी की सब्जी। नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण हम खाना लेट खा रहे हैं और थोड़ा कम खा रहे हैं, क्योंकि पेट भाई भरा भरा गंभीर गंभीर टाइप का लग रहा है। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।